Once again a very good morning to everyone. Today we will continue our online class with a new chapter, and that chapter is fractions. And what is fraction? Fraction. A fraction is a number representing a part of a whole. Means जब कोई नंबर है वो किसी होल को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ एन एप्पल, क्वार्टर ऑफ अ पिज़्ज़ा, एट्सेट्रा. नाउ वी कैन राइट वन हाफ इज रिटन एज 1/2. दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म. वन फोर्थ और क्वार्टर, मीन्स वन फोर्थ को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, इज रिटन एज 1/4. एंड वन थर्ड इज रिटन एज 1/3. एंड थ्री फोर्थ इज रिटन एज 3/4. मीन्स दिस ऑल आर फ्रैक्शन फॉर्म. मीन्स जब हम टू नेचुरल नंबर्स को अपॉन वाली फॉर्म में राइट करते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन. मीन्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है. फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर. मीन्स नाउ टेक एग्जाम्पल 3/2. 3/2 में जो अपर साइड वाला पार्ट होगा वो तो हमारा न्यूमरेटर होगा, और जो लोअर साइड वाला पार्ट होगा अपॉन के नीचे वो हमारा डिनोमिनेटर होगा. इन 8/5 में 8 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर. इन 1/3 में 1 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर. इन 7/5, 7 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमेशा अपर साइड होता है और डिनोमिनेटर अपॉन के नीचे लोअर साइड होता है. नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन को हम अदर वे में क्या बोल सकते हैं? शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट. मीन्स शेडेड पार्ट तो हमारे न्यूमरेटर होंगे और टोटल पार्ट हमारे डिनोमिनेटर होंगे. मीन्स जैसे हमें कोई एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें कुछ पार्ट्स हमारे शेडेड है और हमें उसका फ्रैक्शन राइट करना है. सो वी टेक एन एग्जाम्पल, राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट. दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ रेक्टेंगल. इसके हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पार्ट्स किए हैं. 8 में से हमारे 1, 2, 3 पार्ट हमारे शेडेड है. तो अब हमें इसे इसका फ्रैक्शन राइट करना है. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट. दिस इज द फॉर्मूला, शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट. तो हमारे इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 3, देन अपॉन का साइन, देन टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इज टोटल पार्ट. तो 3/8, हेयर 3 इज डिनोमिनेटर एंड 8 इज, सॉरी 3 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर. मीन्स हमें जो भी डायग्राम गिवन है उसमें हमें जो शेडेड पार्ट है वो तो अपर साइड राइट करने हैं और जो हमारे टोटल पार्ट है वो हमें लोअर साइड में राइट करने हैं. देन उसके बाद में जो अपर साइड वाली वैल्यू होती है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और जो लोअर साइड वाली वैल्यू होती है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. इसी टाइप से आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.